साल 1946 में एक संविधान बनाने को लेकर, माफ कीजिएगा, एक संविधान सभा बनाने को लेकर जिन्ना ने नाराजगी जताई, डायरेक्ट एक्शन की धमकी दी, हिंसा हुई। जिन्ना के दो राष्ट्र के फरमान के चलते ही देश का दो हिस्सों में बंटवारा हुआ और इसी के साथ शुरू हुआ कश्मीर को लेकर विवाद, जो आज 70 साल बाद लगातार जारी है। विवाद को सुलझाने के लिए भारत ने ढेरों कदम उठाए। वाजपेयी बस लेकर पाकिस्तान पहुंचे तो मोदी हवाई जहाज लेकर, कई वार्ताकार नियुक्त किए गए, लेकिन कश्मीर में शांति बहाली आज भी एक बड़ी चुनौती है। बीते साल ही सीज फायर वायोलेशन के 860 मामले दर्ज हुए हैं। तनाव सिर्फ सीमा पर नहीं, पाकिस्तान की टेरर फंडिंग के चलते बीते साल हिंसा के 342 मामले घाटी में दर्ज हुए हैं। ये तब जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का 16 बार दौरा कर चुके हैं, 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर चुके हैं, पत्थरबाजों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, वहीं आतंक पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट भी चल रहा है और सर्जिकल स्ट्राइक भी। पिछली सरकारों ने भी कश्मीर को लेकर ढेरों कदम उठाए लेकिन हालात सुधर नहीं सके। इस बीच कहीं अंतर भी नजर आता है, खासकर सोच के स्तर पर। मोदी सरकार के मुताबिक आतंक पर लगाम लगाने से पहले पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी, वहीं महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी करती है। एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के मददगारों को राज्य सरकार निर्दोष नागरिक बताती है तो सेना के अफसर के खिलाफ ही राज्य सरकार FIR दर्ज करवा देती है। ऐसे में कश्मीर मुद्दे का समाधान क्या है, कैसे घाटी में अमन बहाली हो सकेगी, यही सब कुछ समझने की कोशिश आज इंडिया बोले। और हमारे साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी साहब जुड़ रहे हैं, आप रक्षा मामलों के जानकार हैं हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव त्यागी साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ श्रीनगर से, पॉलिटिकल एनालिस्ट इनाम नवी साहब जुड़ रहे हैं और यहाँ न्यूज नेशन के स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमर आगा साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारत पाकिस्तान मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ राहुल जलाली साहब जुड़ रहे हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कश्मीर के मुद्दे पर लंबा अनुभव अच्छी समझ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित रैना साहब, आप कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं और आप तमाम खास मेहमानों से सवाल करने के लिए देश की युवा पीढ़ी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की हकीकत है, आवाज उठाई तो खत्म कर दिए जाओगे। POK के लोगों को यही खौफनाक पैगाम दे रही है पाकिस्तान की सेना। ये तस्वीरें उन अलगाववादियों के लिए संदेश है जो पाकिस्तान के समर्थन से धरती के जन्नत को पिछले 3 साल से आतंकी आग में झोंक रहे हैं। मुजफ्फराबाद में ये प्रदर्शन हो रहा है पाकिस्तान की सेना के खिलाफ। पाकिस्तान की सेना लगातार इस इलाके में सीज फायर तोड़ रही है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम लोगों को। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को भी POK के पुंछ में लोगों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन सीज फायर तोड़े जाने के खिलाफ हुआ था। इन लोगों ने सरहद पर पाकिस्तान की साजिश को बेपर्दा करने की कोशिश की थी। आतंकियों की घुसपैठ के लिए पाकिस्तान सीज फायर तोड़ता है। इस शांति मार्च के जरिए इसी सच्चाई को बेपर्दा करने के लिए लोगों ने कदम बढ़ाए थे, लेकिन ताकत के दम पर अमन की आवाज को कुचलने की कोशिश की गई। वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स बनाए, लॉन्चिंग पैड्स बनाए हैं आतंकियों के लिए। जो लोकल पॉपुलेशन है वो बहुत तंग आ चुका है इन आतंकियों से। POK से लेकर बलूचिस्तान बगावत की आग में झुलस रहा है। हर जगह पाकिस्तानी फौज के जुल्मों के निशान हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान, उसकी फौज किसी की नहीं, लेकिन कश्मीर के अलगाववादी जानबूझकर अंधे बने बैठे हैं। पैसों के लिए ये अपना ईमान बेच चुके हैं या कश्मीर को दहशत की आग में झोंके रखना चाहते हैं। टीम न्यूज नेशन। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल मेरा कमर आगा साहब आपसे दर्शकों की जानकारी के लिए बहुत संक्षेप में, जिस कश्मीर विवाद की आज हम चर्चा कर रहे हैं, दरअसल में वो कश्मीर का विवाद आपके मुताबिक है क्या? देखिए, ये विवाद पाकिस्तान का है। बेसिकली पाकिस्तान उस पर कब्जा करना चाहता है, प्रॉक्सी वार वहाँ पे छेड़ रखी है। वो ये अच्छी तरह से जानता है कि कश्मीर को वो कभी भारत से ले नहीं सकता। उसका काम ये है कि वहाँ पे प्रॉक्सी वार करो और वहाँ पे सिचुएशन को जितना बिगाड़ सकते हो बिगाड़ो, बड़ी संख्या में आर्मी वहाँ पे डिप्लॉयड रहे, ये उसकी कोशिश बनी हुई है। दूसरी तरफ ये भी है कि वो ये वहाँ पे अपना कभी धर्म का नाम इस्तेमाल करता जाता है, धर्म के नाम है अलग अलग संस्थाएं बना रखी हैं, कभी लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और
दूसरी एक दर्जन भर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग काम करते रहते हैं, उनकी मदद, वहाँ पे उसके स्टेक होल्डर भी हैं जिसके अंदर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे कट्टरपंथी जमा धार्मिक संस्थाएं हैं जो उसको मदद कर रही हैं, उसके कारण ये सिचुएशन बिगड़ी हुई है। वायली से ज़्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान के। चलिए तो आप करें कि ये पाकिस्तान की नापाक कोशिश है जिसके चलते कश्मीर का विवाद लगातार बीते 70 साल से नजर आ रहा है। राजीव त्यागी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजीव त्यागी साहब, जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो एक सवाल जहन में आता है लोगों के कि क्या 1947 में ही बंटवारे के वक्त इस विवाद को, इस चुनौती को बेहतर तरीके से नहीं सुलझाया जा सकता था। हाल ही के दिनों में फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बयान आया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक बार फिर नए सिरे से चर्चा की शुरुआत कर दी, क्या कहेंगे आप? हर व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब शायद हिस्ट्री पूरी पढ़ी नहीं। उन्होंने हिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए सन 1920 से ही मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दो ये दल थे, दोनों दल ही जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। इस विषय पे डिबेट अगर आपको करनी है तो एक लंबी डिबेट मैं इस पे कर सकता हूँ, लेकिन कश्मीर के विषय पे बहुत स्पष्ट कर दूं, कश्मीर भारत माता का अभिन्न मुकुट है और अभिन्न मुकुट रहेगा। इनाम नवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। और इसराइल में इनाम नवी, इस बात को कश्मीर में बैठे कुछ लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है? देखिए, अगर हमें इस मसले को सुलझाना है तो हमें आपस में झूठ बोलना बंद करना होगा। देखिए, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा, प्लीज़। मैं वो बात कहूँगा जो सच है। सच अगर किसी को कड़वा भी लगता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं सच बोलने से एतराज़ नहीं करता हूँ। रही बात मसले कश्मीर की, मैं आपको बताऊँ, 1947 से पहले जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज़ादी की जंग अंग्रेज़ों के साथ लड़ रहे थे तो तब कश्मीर एक सॉवरन स्टेट थी। आप दोनों मुल्कों को क्या आज़ादी मिली? आपने हमें 1947 से लेकर आज तक रैना जी, आप सबर रखिए, सबर रखिए। झूठ बोलने पे मैं सबर नहीं रखूंगा। रैना साहब, मैं आऊंगा आपके पास। कश्मीर मुस्लिम मनाएंगे। रैना साहब, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। इनाम नवी, आप अपनी बात कहें, मैं आपके पास आऊंगा। बी सिविलाइज्ड, बी सिविलाइज्ड, आई विल बी सिविलाइज्ड। आप सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। टीवी पर बैठ के झूठ बोलना शोभा नहीं देता आपको। आई डोंट टॉक टू यू। अब उससे बात, मैं भी आपसे जैसे लोगों से बात नहीं करता हूँ, मगर जब आप झूठ बोलते हैं तो मैं आपको रोकूंगा जरूर। थोड़ी चाहिए, मैं बकोड़ों से सर्टिफिकेट नहीं लेता हूँ। झूठ है आप, हटिए ना, आई एम टॉकिंग टू यू। मैं बगोड़ों से बात नहीं करता। बगोड़े तो वो है, आपको पता है, बगोड़े तो वो है जो और बगोड़ों से बात नहीं करता। मैं तो खुश हूँ कि आपने मुझे बगोड़ा बोला। मैं आपके पास, मैं तो खुश हूँ आपने मुझे बगोड़ा बोला। मैं खुश हूँ आपने मुझे बगोड़ा बोला। रैना साहब, इस तरीके से बात नहीं, ये कैसे कैसे शब्द आप सुने उनके बाद जब मैं आपके पास आऊंगा, मैं निंदा कर रहा हूँ उनकी भी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना हो, लेकिन जमहूरियत को दूसरे को सुनने का धैर्य भी रखें। इनाम नवी साहब, कहें अपनी बात। सर, फिर जब एक्सेशन हुआ वो तीन कंडीशन पर हुआ था। तीन कंडीशन के बाद 1947 से लेकर आज तक, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। आप कहते हो कि ये हिंदुस्तान का अभिन्न अंग था। मुझे बताइए, 65 तक जम्मू कश्मीर से आपका पार्लियामेंट मेंबर कौन था? यहाँ पर 1965 तक इलेक्शंस क्यों नहीं थे? लेकिन राजीव तभी आपने जंगे की, तभी आपने इंटरलॉक क्यों भेजे, तभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बात की, तभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और बाकी लोगों ने यहाँ के मिलिटेंट कमांडर से बात की। देखिए अनुराग जी, मैं किसी को डिबेट पे बैठ के कोई सर्टिफिकेट नहीं देता हूँ कि कौन राष्ट्रभक्त है और कौन देशद्रोही है। नबी साहब, मेरी बात सुनिए प्लीज। नबी, मिस्टर नबी, प्लीज सुनिए मेरी बात। अब मेरे को टाइम दिया है तो आप भी शांत रहिए। अनुराग जी, जो बात इन्होंने कही 1953 से लेकर के 1984 तक, इस दरमियान कश्मीर में आर्टिकल 370 को उसी हिसाब से ढाला गया जिस हिसाब से देश की जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और पूरी असेंबली के सारी चीजों को लेकर के और कानून को लेकर के, संसद को लेकर के, कश्मीर में आर्टिकल 370 को देश की जरूरतों के हिसाब से तरमीम करने का काम कांग्रेस ने किया। और उसको ना भूलेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर के देश की संसद में वहां की नेशनल कॉन्फ्रेंस को और पीडीपी को पूर्ण विश्वास है और तभी वहां से लोग बाग सांसद बनकर के आ जाते हैं। इतिहास के घाव कुरेदने से बेहतर यह होगा कि हम लोग वर्तमान में जी के भविष्य की बात करें। एक बुनियादी सवाल जरूर है युवा पीढ़ी के लिए, और जी डी बख्शी साहब, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या कश्मीर विवाद को 1947 में ही बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता था? क्या उसके बाद जिस तरीके के लगातार प्रयास किए गए उनमें कहीं ईमानदारी आपको नजर आई दोनों मुल्कों में, खासकर पाकिस्तान में?
देखिए साहब 1947 में क्या हुआ जरा एक बार याद करने की जरूरत है। 10,000 आर्म ट्राइबल्स रेडर्स उन्होंने भेजे जम्मू कश्मीर वैली को इन्वर्टेड कॉमर्स में कोट अनकोट लिबरेट करने के लिए। किस तरह लिबरेट करने के लिए? सारे गांव शहर जलाकर लूटपाट करके वहां की औरतों को उठा के उनके साथ बदसलूकी करके ले जाने के लिए एक ट्राइबल लश्कर पे लश्कर भेजे गए कि लूट के कश्मीर को उनकी औरतों को उठा के ले जाए। ये उस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब के फादर शेख अब्दुल्ला साहब ने खुद इसको दुनिया भर के सामने कहा ये कोई तरीका है लिबरेशन का। उसके बाद पाकिस्तान ने आप प्लीज बीच में मत बोलिए। हाँ उसके बाद पाकिस्तान ने 4 बार युद्ध किया है भारत के खिलाफ। की इज्जत करता हूं लेकिन मैं आपकी इन बातों से नहीं डरता हूं। नवी साहब सुन लें एक बार, बख्शी साहब जब आप बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे आपको। नवी साहब सुने अब आप बख्शी साहब को, कहिए बख्शी साहब। हमने बहुत ध्यान से और बहुत ही सुकून से चैन से आपको सुना है, आप भी जरा थोड़ा सा सब्र दिखाएं, सुन लीजिए उसके बाद अपना जवाब दीजिए। मैं कहना ये चाहता हूं कि 4 बार पाकिस्तान ने जबरन जबरदस्ती बाय मिलिट्री फोर्स जम्मू कश्मीर को छीनने की कोशिश करी। आप कह रहे हैं जंगे आपने लड़ी, जंगे इसलिए लड़ी कि उन्होंने हमले किए। हमने उनका करारा जवाब दिया। 71 की लड़ाई में पाकिस्तान को आधा मुल्क खोना पड़ा और जब वो लड़ाई के मैदान पे बाई फोर्स जम्मू कश्मीर को नहीं ले पाया। राहुल जलाली साहब आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, 47 से लेकर 2018 तक जिस तरीके के कदम भारत की तरफ से उठाए गए इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए, शांति बहाली के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी का मैंने जिक्र किया, नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, इन तमाम कदमों को आप कैसे देखते हैं, बाकी सरकारों के कदमों को भी? देखिए इसकी जो ये नया दौर है जिसकी आप बात कर रहे हो, इसकी शुरुआत अगर देखें भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बातचीत हुई वो शिमला एग्रीमेंट से हुई है। शिमला एग्रीमेंट में एक एग्रीमेंट हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल जिससे आया है, और लाइन ऑफ कंट्रोल के माने हैं इसको बिल्कुल बॉर्डर की जो डेफिनेशन होती है वही हो है। तो नबी साहब क्या 47 बोल रहे हैं और ये सब, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा क्योंकि नबी साहब को मैं उतना, कश्मीर कितना सीरियसली लेता है नबी साहब भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, तो इन बहस को छोड़िए। पर मैं इतना याद दिला दूं कि 47 के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की इलेक्शन हुई थी, 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बने थे और ये रिकॉर्ड है कि 4 जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटर्स इलेक्ट हुए जो दुनिया में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है क्योंकि वो 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एक ही दौरान मेंबर थे, भारत के और जम्मू कश्मीर के। तो ये कहना कि 65 तक इलेक्शन नहीं हुआ तो वो अपनी हिस्ट्री को दुरुस्त करें। एक दूसरी बात जी, दूसरी बात ये कहा गया है कि अनफिनिश, आपने फारूक साहब की बात की, फारूक साहब आप नबी साहब क्यों बहस कर रहे हैं? आप क्या है हिस्ट्री चेक मुझसे करवा रहे हैं? शर्म करिए, हिस्ट्री आप मुझसे चेक करवा रहे हो। आप जानते हो मैं कौन हूँ और मैं भी जानता हूँ आप कौन हो, तो हिस्ट्री की बात मुझसे जम्मू कश्मीर की मत करिए। दूसरी बात जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, डॉक्टर अब्दुल्ला ने अभी जिस बयान का आप कह रहे थे, फारूक साहब भूल गए उनके वालिद ने क्या कहा था। शेख अब्दुल्ला ने, शेख अब्दुल्ला ने 45 में मोहम्मद अली जिन्ना को कश्मीर की सरहद से बाहर फेंका था और रिजेक्ट किया था टू नेशन थ्योरी को। साहब आप कुछ कहना भी चाह रहे थे नाम नबी की बातों को, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत सरकार की तरफ से 70 सालों में जो कदम उठाए गए हैं उन कदमों को आप कैसे देखते हैं? ईमानदार कोशिश, और क्या आपको लगता है कि जो बात शुरुआत में कमर आगा साहब ने कही, सब कुछ किया धरा पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की नापाक हरकत जिसके चलते कश्मीर में शांति बहाली नहीं हो पा रही, आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए पहले मैं आपसे विनती करूंगा कि कश्मीर को विवाद ना कहें क्योंकि हमारे लिए तो कोई विवाद है नहीं है। विवाद अगर है तो पाकिस्तान के लिए होगा, नबी साहब के लिए होगा, पर भारतवर्ष के लिए और भारतीयों के लिए तो कोई विवाद है नहीं। शर्म कर लीजिए। जहां तक की बात है, मेरे सवाल कहीं बीच में अटक गया। भारत के कदमों को आप कैसे आंकते हैं बीते 70 साल? इस बहस से थोड़ा हटिए रहना सर, इस बहस से हटिए, इसका जवाब आप प्रोसिक्यूशन लोगों को मारा गया वो भागे और इतिहास में भागते रहे हैं। चलिए इतिहास में भागते रहे। चलिए रहना साहब आपको भी रोक
रहा हूं और नवी साहब आपको भी रोक रहा हूं। और इस पूरे मुद्दे पर युवा पीढ़ी क्या कुछ सोचती है, उनके जहन में किस तरीके के सवाल हैं, सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी आप पूछो। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी पिछली सरकारों ने भी कश्मीर को लेकर काफी सारे कदम उठाए हैं, लेकिन दहशत हर्दों के चलते कोई हालात सुधरने में नहीं आए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब मोदी सरकार किस तरह के कदम उठा रही है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। मेरा एक सवाल है कि हम हमेशा अपने एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, इसके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे? देखा गया कि दोनों देशों के पीएम ने एक साथ बात की है और अलग अलग नतीजे निकाले हैं, पर अभी तक उन पर निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा, उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले कमराका साहब आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जो यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए साहब, प्रयास तो लगातार किए जाते रहे हैं पिछले 70 साल से, मौजूदा सरकार भी कर रही है, नरेंद्र मोदी 16 बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं, क्या ये पूरा मामला सुलझ सकेगा? क्या घाटी में शांति की बहाली हो सकेगी? मौजूदा दौर में क्या आपको उम्मीद है? इसमें समय लगेगा, लेकिन शांति तो जरूर आएगी, अवश्य आएगी, मुझे उसमें कोई शुभा नहीं है। कमराका साहब आपको रोक रहा हूँ यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं इंडिया बोले, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर के मुद्दे की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कश्मीर में शांति दिख सकेगी, कैसे कश्मीर में वो तमाम योजनाएं जो दिल्ली से भेजी जाती हैं उनका जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से असर होता नजर आ सकेगा। जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी एक और रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की बुजदिल फौज सरहद पर कायराना हरकत, पाकिस्तान का मोर्टार हमला और खत्म हो गया एक पूरा खानदान। पुंछ में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना की कायराना हरकत की चौतरफा निंदा हो रही है। गोलाबारी बंद होना चाहिए ताकि हमारे लोग जो हैं बाइज्जत तरीके से, क्योंकि बॉर्डर के लोग बॉर्डर के रखवाले होते हैं, अपने बॉर्डर्स पे ये लोग रह सके, अपनी अच्छी जिंदगी बसर कर सके, हमारे बच्चे स्कूल जा सके। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान इस साल अब तक 633 बार युद्ध विराम उल्लंघन कर चुका है। साल 2017 में पाकिस्तान ने 971 बार सीज फायर तोड़ा था। वहीं साल 2016 में पाकिस्तान की तरफ से 449 बार युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ। पाकिस्तानी फौज के कायराना कार्रवाई से सरहदी इलाकों में दहशत है, आम लोगों की मौत हो रही है। पाकिस्तानी हुक्मरानों की सनक को कैसे जवाब दिया जाए? क्या किया जाए कि पाकिस्तान की बंदूकें हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाए? हर हिंदुस्तानी अब यही सवाल पूछ रहा है। टीम न्यूज नेशन। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता तरुण चुग साहब भी जुड़ चुके हैं। तरुण चुग साहब, 2015 के मुकाबले 2017 के जो आंकड़े हैं घाटी से जुड़े, कश्मीर से जुड़े, सीज फायर वायोलेशन से जुड़े, वो निराश करने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि जो योजना 2014 से लेकर आज तक भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाई है, उस योजना के अंतर्गत हमने कुछ पैमाने तय किए हैं जिससे आतंकवाद पर पूरी तरह प्रेशर बना है। लगभग 200 से ज़्यादा बड़े टेररिस्ट पिछले एक वर्ष में ही मारे गए। राजीव त्यागी, तरुण चुक्सा आप कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई है कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ, लिहाजा इस तरीके के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, आप इत्तफाक रखते हैं? सीज फायर वायलेशन की बात करें अनुराग जी, तो पिछले 44 महीनों में 204 मेजर टेरर इंसिडेंट हुए हैं कश्मीर में, 278 जवान शहीद हो गए हैं कश्मीर में, 135 सिविलियन शहीद हो चुके हैं, 2474 बार सीमाओं का अतिक्रमण सीज फायर वायलेशन करके पाकिस्तान कर चुका है। तो मेरे मित्र भाषणबाजी और जुमलेबाजी से बाहर निकल के ये बता दें कि जो FIR आपने सेना के जवानों पे कराई है, जो आपने FIR वापस लिए पत्थरबाजों से, उस पे आपका क्या कहना है? बोलिए तरुण चुग साहब। ऐसा है कि जो मेरे मित्र बता रहे हैं इनके आंकड़ों में गलती है। मैं इनसे एक निवेदन करूंगा, आतंकवाद के ऊपर पूर्ण चोट जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सरकार के आने के बाद हुई। हमने इनकी सरकार की तरह कोई पीस टॉक्स के लिए आतंकवादियों के बातचीत करने के लिए यहां से शिष्टमंडल नहीं भेजे। मैं आऊंगा जाएगी जी आपके पास, लेकिन जीडी बख्शी साहब, ये जो बात यहां दिल्ली में बैठकर भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो बात जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार नहीं कह रही है। जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार कह रही है कि पाकिस्तान से आप बातचीत कीजिए, आतंकवाद खत्म होता रहेगा बाद में। जम्मू कश्मीर की सरकार सैनिकों के खिलाफ FIR दर्ज कर रही है, सेना के एनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार में साथ मौजूद है। जीडी बख्शी साहब, इस विरोधाभास को कैसे आप देखेंगे? क्या इससे सैनिकों का मनोबल नहीं गिरता? देखिए साहब, ये
बिल्कुल गिरता है, ये विरोधाभास हमें ख़त्म करना होगा। बात यह है कि 9730 स्टोन पेल्टर जबकि सेना अपने ऑपरेशंस कर रही थी, वो हमारे पे पीछे से पत्थर मार रहे थे, हमारे ऑपरेशंस को डिसरप्ट कर रहे थे। और इसके चलते साहब जो है आपके कितने सारे टेररिस्ट जो हैं वो भाग गए या बच गए इन ऑपरेशंस में, इसमें सपोर्ट दिया खुलकर ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, और हुर्रियत ने इसको फाइनेंस किया, फंडिंग करी, NIA ने इसके सबूत सबके सामने पेश किए हैं। इसके बावजूद इस सरकार ने 9730 स्टोन पेल्टर कैसे छोड़े? आप मुझे बताइए, क्या कानून एक नहीं है इस देश में? जब सिरसा हरियाणा में रॉयटिंग होती है, डेरा सच्चा सौदा वाले करते हैं, तो पुलिस फायर खोलती है, एक दिन में 36 जो है उनके स्टोन पेल्टर या उनके जो इनाम नबी है, वो मार दिए जाते जीडी बख्शी साहब की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं। आप भी कहेंगे कि जो भारत सरकार या सेना के ऊपर हमला करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उसके मुकदमे वापस होने चाहिए। इनाम नबी, बिल्कुल सिरसा हरियाणा जैसे। जनरल साहब, जीडी बख्शी साहब बात करने दीजिए। जी, मैं बोल रहा हूँ, ये आपको झूठ बोल रहे हैं। क्या ये NDA फर्स्ट नहीं थी जिन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के 5 कमांडरों से नेहरू गेस्ट हाउस में बात की थी? क्या ये BJP नहीं थी जिनके प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने हुर्रियत वालों के साथ बात की थी? क्या वो यही BJP नहीं है जिन्होंने दिल्ली में हुर्रियत वालों के लिए ऑफिस खोला था? क्या ये वही UPA फर्स्ट या UPA सेकंड नहीं जिनके मनमोहन सिंह साहब ने यहाँ के हुर्रियत लीडरों से बात की है? क्या UPA फर्स्ट में UPA सेकंड में आपने स्टूडेंट तो इनाम नबी, आप ये कह रहे हैं कि जो आतंकवादियों के मानते हैं चलती अपना नरम रवैया रखते हैं, सरकार उनसे बात करती रहे? आपने बात करनी है, नहीं नरम क्यों करनी है? जो यहाँ अगर आप हमारे देश को तोड़ने पे आमादा है तो क्यों बात करें? हम तो सबसे क्यों कानून को एनफोर्स ना किया जाए? वो जनरल, अगर सिरसा हरियाणा में 36 हिंदुस्तानी नागरिक मारे जा सकते हैं तो वही रूल ऑफ लॉ जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू? और 21 महीने किश्तवाड़ में किया है ना, वो उसकी वजह से मिलिटेंट बने, उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है। हाँ, क्या वो आपके झूठे वादों की वजह से मिलिटेंट बने? झूठे वादे आप, हमने टेररिस्ट का किया, जो पाकिस्तानी वहां हथियार लेके आएगा हमारे मुल्क में उसको मार डालना फौज का फर्ज है, और फौज ने अपना फर्ज किया है। इनोसेंट लोगों को मारा, देश को इनोसेंट मारा। एक बताइए कौन सी आग लगा? हथियारबंद जो थे उन्हें मार गिराया उस वक्त गया, और अभी भी मारा जाएगा। अमित रैना, कश्मीर के मुद्दे को पॉलिटिकल क्लास जिस तरीके से हैंडल करता है उस पर आप क्या कहेंगे? आप सुन रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं। देखिए, ये बात सच है, और मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं कहूंगा, मगर अगर आप पाकिस्तान का रवैया देखें तो पिछले 70 साल से पाकिस्तान के कश्मीर को लेकर पॉलिसी बड़ी क्लियर रही है। अच्छी रही हमारे लिए, बुरी रही अलग बात है, उनकी अपनी पाकिस्तान को लेकर पॉलिसी क्लियर रही है। जहां तक हमारी बात है हिंदुस्तान की, हमारी कश्मीर को लेकर कोई पॉलिसी क्लियर नहीं है। आपके कश्मीर के दो पार्ट्स में आपको है, आपका एक जो पाकिस्तान ने करना वो करता रहेगा, मगर आपने एज अ देश, एज आपने सरकार क्या किया है कश्मीर की हालत को सुधारने के लिए? अगर आपको कश्मीर को सुधारना है तो आपको कुछ कदम लेने हैं, और ठोस कदम। कैसे कदम? 370 हटाइए, 35A हटाइए। और राहुल जलाली, क्या यही अफसोसजनक बात है पॉलिटिकल क्लास की, खासकर जम्मू कश्मीर का एहसास इस तरीके की बयानबाजी? हमने आपकी मुसीबतें देखी है 70 वर्षों से, आपने 1200 बच्चों को यहाँ पर रखा है। इमाम साहब, हमने मुसीबतें देखी है। मैं जानता हूँ, टेरर फंडिंग के बाद बयानबाजी बंद कीजिए इनाम नबी साहब। पाकिस्तान की टेरर फंडिंग के बाद इस तरीके की बयानबाजी को बंद कीजिए। मासूमों के हाथ में पत्थर थमाना रोकिए। राहुल जलाली, अब इमाम साहब आप बहुत मुसीबत से घेरे हुए आर्गुमेंट करने के लिए, अब देखिए जरा चुप रहिए इमाम साहब, आप मुसीबत में घिरे हो, मैं जानता हूँ कितने मुसीबत में हो कश्मीर में, पर मैं कुछ बातें कहूंगा। पहली बात कि जैसे अमित ने अभी कहा है, हमारी तरफ से कोई पॉलिसी है नहीं कश्मीर की तरफ। अब आप देखिए BJP का, आपने 370 की बात की, आपको मालूम है अभी पिछले हफ्ते जो BJP का हिस्सा सरकार में है उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट, जो सेंट्रल एक्ट है, ये इनकार कर दिया कि जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं होगा, क्योंकि ये 370 के खिलाफ जाता है। ये आज वही BJP जो एक ज़माने में अपनी पॉलिटिक्स कर रही थी 370 के को हटाने की, आज उन्हें डिफेंड कर रही है।
एक तरफ केंद्रीय सरकार, अभी आपने सुना सबको कि हम वो बीजेपी के जो तरुण चुग जी हैं कि हम आतंक का खात्मा करेंगे, ठीक है करिए, पर आपने साथ में इंटरलोक्यूटर भी रखा हुआ है जो बातचीत कर रहा है, दिनेश्वर शर्मा जी। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि कश्मीर में जो ये पॉलिसी है कि एक तरफ आप आतंक से लड़िए, उसे खत्म करिए, और बातचीत जो बातचीत करना चाहता है उससे बातचीत करिए, दोनों रास्तों पर चलना होगा। बिल्कुल। और जीडी बख्शी साहब आप कुछ कहना चाहें, तो इसीलिए तरुण जी अपनी पॉलिसी को जीडी बख्शी साहब आप कुछ कहना चाहें और वो चलाए। हाँ जी कहिए। देखिए, हाँ जी देखिए, प्लीज अगर आप वाकई ही इस प्रॉब्लम को जड़ से सुलझाना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम की जड़ है पाकिस्तान की फौज। आपको पाकिस्तान की फौज से उस भाषा में बात करनी होगी जो भाषा वो समझती है, और वो भाषा है ताकत की। हमारी जब भी सेना ताकत लगाने की शुरुआत करती है, यहाँ से पीस टॉक का बवाल शुरू हो जाता है। इस मुद्दे पर युवा पीढ़ी के जहन में जो सवाल है, कुछ और सवालों को आगे लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे इस पूरे मुद्दे को देखते हैं। जी सर, मेरा सवाल जो इनसे बीजेपी के प्रवक्ता से है कि आप जो है कांग्रेस पे बेशक कुछ भी इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन जब पठानकोट हमला हुआ था तब आईएसआई यहाँ पर क्या कर रही थी? आपने बाहर के लोग बुलाए, और मैं इमामुल नवीन से कहना चाह रहा हूँ, आपको जो ज्यादा हमदर्दी हो रही है अगर पाकिस्तान से, तो एक बार बलूचिस्तान की हालत देख लीजिए, उसके बाद में कुछ बात करिए। चलिए, आप कुछ कहना चाहिए? अरे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की हालत देख ले तो मेरा सवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रवक्ताओं से है, क्या हम कुछ देर के लिए राजनीतिक मुद्दों को भुला के केवल कश्मीर पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? क्या ईमानदारी दिखा सकते हैं कश्मीर के मुद्दे पर? दो सवाल, लेकिन इन सब के बीच में जो बात नवी साहब यहाँ पर एक दर्शक ने कही वो ये कि जब आप कश्मीर का जिक्र करते हैं तो बलूचिस्तान के क्या हालात हैं, सिंध के क्या हालात हैं, और राहुल जलाली साहब ने जोड़ा पाक अधिकृत कश्मीर के क्या हालात हैं, आज़ादी की मांग वहां पर की जा रही है, किस तरीके से आप उन तस्वीरों को भुलाकर कश्मीर की एक गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं? नवी साहब जरा देखिए तो पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। मुझे, मैं क्यों बलूचिस्तान की बात करूं? मैं तो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूं, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, चाहे वो खूनी लड़की के इस साइड कर रहा हो, वहां पे कम से कम गोलियां चल रही है, तो बात वहां पे कम से कम उनका अपना आजाद कश्मीर में अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अरे वहां का वो चपरासी ने ये पॉइंट लगाया। चलिए, हम उम्मीद कर रहे थे कि आप ईमानदार जवाब देंगे, तो आपने अंदाजा किया, हम ये लगातार उम्मीद करते रहे कि आप ईमानदार जवाब देंगे, लेकिन पोस्टपोना हमने, लेकिन तरुण चुक्सा ने पोस्टपोना में तो एक दर्शक ने सवाल सीधा आपसे भी पूछा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी, लेकिन पठानकोट पर हमला होता है, तो सवाल ये कि आईएसआई के लोग यहां क्या कर रहे थे? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। ऐसा है कि पठानकोट हो या कोई भी घटना हो, जब इंटरनेशनल लेवल पर किसी देश को घेरना पड़ता है तो उनकी एजेंसीज को लाके दिखाया गया कि ये हुआ है, और आज उसकी स्थिति ये बनी है कि पूरे विश्व के अंदर जो जो लोग पाकिस्तान के साथ खड़े थे आज वो पाकिस्तान का साथ छोड़ गए। आप हैरान होंगे। सब से काम लेना चाहिए, ठीक है। और राहुल जलाली साहब, लगातार भारत सरकार ये कहती है कि पाकिस्तान जब तक कश्मीर में आतंकवाद को बंद नहीं करेगा उससे बातचीत नहीं होगी, लेकिन अगर आतंकवाद बंद हो भी जाता है तो पाकिस्तान से बातचीत किस मुद्दे पर होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे तो नहीं लगता है कि पाकिस्तान आतंक को बंद करने वाला है, क्योंकि आज से नहीं, बहुत अरसे से वो इनका इंस्ट्रूमेंट है अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने इर्द गिर्द फैलाने का, वो अफगानिस्तान हो या भारत हो। और पाकिस्तान जिस दिन आतंक को बंद करेगा तो पाकिस्तान ही शायद ना रहे। अब उनकी खुद दिक्कतें इतनी बहुत ज़्यादा हैं, बल्तिस्तान लीजिए, बलूचिस्तान लीजिए, सिंध लीजिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लीजिए, हर जगह ये गड़बड़ में। अगर हमें उन्हें रोकना है तो रोके। प्रधानमंत्री 16 बार जम्मू कश्मीर जाते हैं, वार्ताकार की नियुक्ति की जाती है, 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया जाता है, क्या आपको लगता है कि किसी एक सूबे को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इससे ज्यादा कुछ और हो सकता है? देखिए, जब तक हम ये धारणा सुधार न लेंगे कश्मीर एक विकास का इशू है, तब तक ये समस्या पनपती रहेगी। आप नबी साहब की बातों से देख लीजिए, ये विकास का मुद्दा नहीं है। एक बार भी इन्होंने विकास की बात करी है? ये जो मुद्दा है आप इसको पहचानिए, ये जिहाद का मुद्दा है, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का मुद्दा है, और आपको उसी को लेकर आप अपने मन को कुछ भी बहला लीजिए जी, विकास का मुद्दा, मगर ये विकास का मुद्दा नहीं है। इंडिजिनियस मूवमेंट है ये, इंडिजिनियस मूवमेंट। यार चुप हो जा यार, ठप करता, प्लीज। वालों से बात की, प्लीज। तो आपने हुर्रियत वालों को अलर्ट किया था दिल्ली में ऑफिस खोलने का? साहब मैं आखिर में आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले कमर आगा साहब, बहुत संक्षेप में पूरे मामले का समाधान आपके मुताबिक क्या, बहुत संक्षेप में सर? देखिए, दो चीज है पॉलिसी, मैं एक बात साफ कह दूं कि बहुत से ऑप्शंस हैं,
पहला ऑप्शन ये था कि बातचीत हो, मसलों का हल निकले। अटल बिहारी प्रधानमंत्री स्वयं मोदी जी गए लाहौर, उन्हीं ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उनको लगा नहीं। हमारी इस समय जो पॉलिसी है वो कैरेट एंड स्टिक वाली है, एक हाथ में तो छड़ी है और दूसरे हाथ में हमारा, उनको हम कैरेट भी देते हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, इंटरलोक्यूटर भी लगाया है, साथ में सेना को पूरी खुली छूट दी गई है कि वो जिस तरीके से हो सिचुएशन को वो डील कर सकती है, और वो लगातार उसमें डील कर रहे हैं। उसमें सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई और समय वक्त पड़ेगा तो और भी सर्जिकल स्ट्राइक होंगी मैं समझता हूं, और इसमें कोई संकोच नजर नहीं आ। तरुण चुग साहब, आपने शुरुआत में ही कहा था कि आरपार की लड़ाई है, इस आरपार की लड़ाई में आपके मुताबिक नतीजे कब तक आएंगे, कितना और इंतजार? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अभी राजीव जी मेरे मित्र कांग्रेस वाले कह रहे थे कि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर शांत प्रदेश बनेगा और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आतंकवादियों से बातचीत नहीं होगी, बाहर से आने वाला आतंकवादी जिसके हाथ में हथियार है, जो देश को तोड़ने वाला है, भारत की सेना, उसका उम्मीद करते हैं कि आप जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार को भी संदेश ईमानदारी के साथ दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय, अपना अपना अनुभव दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का भी जुड़ने के लिए और अहम सवाल पूछने के लिए। तो इंडिया बोलेगा आज बस इतना ही।